हेलो ट्रेडर्स, आज हम जानेंगे धन में स्टॉप लॉस ऑर्डर्स कैसे डालते हैं। तो अब मैं देख सकता हूं मेरी ये जो दोनों पोजीशंस टैब के अंदर मुझे दिखाई देगी, निफ्टी 18,500 का कॉल ऑप्शन और इंफोसिस का इक्विटी स्टॉक। स्टॉप लॉस डालने के लिए मैं आई बटन पे क्लिक करूंगा और यहां मुझे पूछेगा एड स्टॉप लॉस। नाउ स्टॉप लॉस सेक्शन में मुझे डाल देना है मेरा लिमिट प्राइस और मेरा ट्रिगर प्राइस। नाउ एज यू नो ऑप्शंस के अंदर स्टॉप लॉस मार्केट्स आर नॉट अलाउड, इसलिए मुझे यहाँ पे लिमिट प्राइस डालनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डाल दी, मैंने 22.15 में से बाय किया था, मैंने ट्रिगर प्राइस डाल दिया इसका 20 रुपीज, द प्राइस एट विच द स्टॉप लॉस विल ट्रिगर। लेकिन ये ऑर्डर एक्सचेंज पे किस रेट पे जाएगा वो यहाँ मैं डाल दूंगा 19.95। नाउ इट शुड बी नोटेड दैट लिमिट प्राइस हमेशा ट्रिगर प्राइस से कम होना चाहिए। अगर मैं इसे ज़्यादा डालूंगा या इक्वल डालूंगा तब यहाँ पे मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। आप देख सकते हो इसने बटन को ग्रे कर दिया है, तो मैंने इसे एक स्टेप नीचे कर दिया, वो टिक साइज से एक पॉइंट नीचे चला जाएगा और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही सिस्टम को 20 रुपीज़ का LTP दिखेगा वो मेरा ऑर्डर पंच कर देगा एक्सचेंज में टू सेल द स्टॉक एट 19.95। इसे जो मेरा लॉस है वो फिक्स हो जाएगा कि 19.95 तक मेरा ये सिस्टम जो ऑर्डर है वो सेल कर देगा। सेम केस अगर मुझे इंफोसिस के अंदर लगाना है तो मैं आई बटन पे क्लिक करूंगा। नाउ सिंस ये इक्विटी सेक्शन है, जब स्टॉप लॉस पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये मार्केट ऑप्शन दिखाएगा, विच मींस कि यहाँ मेरा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो इस ट्रिगर प्राइस पे तो एक्सचेंज पे चला जाएगा, लेकिन किस रेट में मेरा एक्सचेंज के अंदर ऑर्डर सेल होगा वो होगा मार्केट रेट। एज यू कैन सी मैं यहाँ पे मार्केट रेट क्लिक कर सकता हूँ और चाहूँ तो मैं यहाँ ऊपर लिमिट प्राइस भी सेट कर सकता हूँ। एज यू कैन सी मैंने ये 12.55 में बाई किया है और यहाँ पे मैंने इसका 1250 का ट्रिगर प्राइस डाल दिया। सिंस हम लिमिट प्राइस इसने ज़्यादा लिया है इसलिए ग्रे बटन हो गया। नाउ अब मैंने ये डाल दिया 1248 का। नाउ अब इसका मतलब ये होगा 1250 पे मेरा सिस्टम ऑर्डर ट्रिगर कर देगा एक्सचेंज में टू सेल द स्टॉक एट 1248। अगर मैं 1248 की जगह नीचे क्लिक कर देता हूँ MKT, इसका मतलब ये होगा 1250 में धन सिस्टम मेरा एक्सचेंज पर ऑर्डर प्लेस कर देगा टू बाय, बट एट व्हाट रेट, इट वुड बी द मार्केट रेट। और यहाँ मैंने अपना सेल ऑर्डर पंच कर दिया। मेरे ये दोनों स्टॉप लॉस ऑर्डर्स मुझे ऑर्डर सेक्शन में दिख जाएगा। जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए हमारे पास में एक अलग हेडर बनता है, यहाँ में मेरे पास में अलग से हेडर नहीं बनेगा, वो पेंडिंग ऑर्डर्स में दिखाएगा। एज यू कैन सी इन्फोसिस इज रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट एट मार्केट प्राइस, बट ओनली वेन द ट्रिगर इज एट 1250। निफ्टी का जो ऑप्शन मैंने लिया था कि मैंने 20 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, लेकिन इसका लिमिट मैंने डाल दिया 19.95। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मेरा 20 रुपीज़ का LTP हिट करेगा मेरा सिस्टम सेल ऑर्डर डाल देगा 19.95 में। नाउ अभी फिलहाल LTP चल रही है 20.45, तकरीबन 40 पैसे का और वेट करते हैं। जैसे ही 40 पैसे मार्केट नीचे जाएगा ये मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और यहाँ मुझे दिखाई देगा। अब देख सकते हो मैंने ये ऑर्डर डाला था 12:05:38 पे। नाउ आप देख सकते हो जैसे ही 19.95 आया मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो गया। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.